मेरा नाम प्रदीप आर्या है, मैं दिल्ली के बवाना गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं लगभग 8-9 साल से बैडमिंटन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 4 साल से मैं फुल टाइम कोचिंग दे रहा हूँ इन्फिनिटी बैडमिंटन सेंटर में। पिछले 4 साल के कोचिंग पीरियड के दौरान मेरे पास कई स्तरों पर खेलने वाले बच्चे तैयार किए हैं मैंने, जिसमें स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनर्स, स्टेट लेवल के विनर्स और नेशनल लेवल के प्लेयर जो वहाँ पर जाकर कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह के बच्चे अभी हमारे पास लगभग 20-25 बच्चों और हुए हैं जो इस 4 साल के दौरान हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया। देखिए, बैडमिंटन मेरे लिए, अगर आज के टाइम में अगर कहूँ तो मेरे लिए सब कुछ है, इवन मोर देन माय फैमिली। बिकॉज मैं जब बैडमिंटन से जुड़ा हूँ, जो मैं खेलना चाहता था, तो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया। लेट स्टार्ट करने की वजह से मैं खुद गांव से बिलोंग करता था, तो अच्छी कोचिंग और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से मैं खुद अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया। इस वजह से बैडमिंटन के जुड़ाव मेरा बढ़ता चला गया और अब जब मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि बैडमिंटन में मेरे किसी भी तरह से मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि बैडमिंटन मेरा पैशन, मेरी लाइफ, मेरे लिए आज के समय पर एवरीथिंग। बैडमिंटन कोचिंग मेरा, जब से मैं बैडमिंटन से जुड़ा हूँ, मेरा पैशन रहा है। और इससे पहले बेसिकली मैंने गवर्नमेंट जॉब में था और वहाँ से मैंने रिजाइन देके मैंने कोचिंग को फुल टाइम अपनाया। हालांकि बहुत सारे लोगों का इस बारे में डिनाइबल था, कि मेरे लोगों का ये कहना था कि गलत डिसीजन है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन चूंकि मुझे बैडमिंटन में फुल टाइम देना था और कोचिंग में 100% देना था और अपने पैशन के साथ पूरा जस्टिस करना था, इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन दे के अब मैं फुल टाइम कोचिंग कर। देखिए सर, स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, इसको अगर मैं आपको शब्दों में बयान करने के लिए कहूँ तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक कोच जो अपनी कोचिंग से अर्न करता है वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो उन्हें तैयार करता है। मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं, मेरी मेहनत का फल है जो मैंने तैयार किए हैं पिछले 4 साल में। तो उसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते कि मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, बट मेरे अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे मेरे स्टूडेंट्स प्यार है। हर कोच का, अगर चाहे कोई भी हो, तो यही एम होता है कि उसके बच्चे अच्छे लेवल पे अचीव करें। अब अच्छे लेवल का क्या क्राइटेरिया है, ये हर कोच का अपना एक परिप्रेक्ष्य है। मैं जब मैं बैडमिंटन से खेलने की कोशिश करता था तो मुझे उम्मीद थी कि मैं शायद नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, बट अनफॉर्चुनेट जो भी वजह रही हूँ मैं नहीं बन पाया। तो एज ए कोच मेरा सपना है कि मेरा सपना मेरे बच्चे पूरा, वो कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुझे रिप्रेजेंट करें, इस देश को रिप्रेजेंट करें जिस देश में हम रहते हैं। और यही मेरा एम है कि एक बच्चा हो या 100 बच्चे हो, सभी आगे बढ़ें और उस लेवल को, उस स्तर को अचीव करें जो शायद कभी मेरा सपना है। जितने भी प्लेयर बैडमिंटन खेल रहे हैं वो अलग अलग कोचेज के पास हैं, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हैं, अकेडमीज में हैं। मुझे तो अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ, तो जो भी मैं कहूँगा बहुत सीमित शब्दों में, बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, जितना आसान बैडमिंटन लगता है कि आप 2-3 घंटे मेहनत करेंगे और आप स्टेट चैंपियन या नेशनल चैंपियन बन जाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसको प्रायोरिटी दें और आप ना बन पाए। लेकिन जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक ही बात कहूँगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इनके अलावा
और स्किल्स के अलावा सबसे जरूरी जो चीज है वो है एक प्लेयर का इस गेम के प्रति और अपने सिखाने वाले के प्रति समर्पण और उसका क्या आप क्या कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं अपने गेम के साथ, अपने एम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आप 101% सक्सेसफुल। देखिए इन्फिनिटी बैडमिंटन सेंटर, तो चलो पूछते हैं इस बात को कि हमने इसका नाम एकेडमी क्यों नहीं रखा, मैं इसे एकेडमी क्यों नहीं कहता, लेकिन मैं सेंटर इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे लिए ये बैडमिंटन की कोचिंग नहीं, ये एक एजुकेशन, बैडमिंटन की एजुकेशन देने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ हम बच्चों को बैडमिंटन को सिर्फ खेलना नहीं सिखाते, उन्हें पूरी तरह से एजुकेट करते हैं बैडमिंटन से इसे। और सबसे बड़ी बात, एकेडमी से आप लोग करते हैं कि 2-3 घंटे सुबह प्रैक्टिस होती है, शाम को प्रैक्टिस होती है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने इसको इन्फिनिटी बैडमिंटन एक सेंटर स्कूल कहीं आप इंस्टीट्यूट कहीं इस तरह चलाया हुआ है। हमारे यहाँ फुल टाइम कोचिंग होती है, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल एजुकेशन को सेकेंडरी रख के फर्स्ट प्रायोरिटी बैडमिंटन रखे हुए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ कोचिंग होती है। ये पूरे गुड़गांव में इकलौता ऐसा बैडमिंटन इंस्टीट्यूट है जिसमें पूरा दिन बच्चे खेलते हैं, और ऐसा नहीं कि बच्चे बदल बदल के खेलते हैं, जो बच्चे सुबह 7 बजे आते हैं वो शाम के 7 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं ऑलमोस्ट 12 आवर्स। वो इसलिए क्योंकि मुझे बैडमिंटन हमारे इस इन्फिनिटी बैडमिंटन के सेंटर के मैनेजमेंट की तरफ से फ्री हैंड, उन लोगों ने मुझे बिल्कुल प्रॉपर फ्री हैंड और प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप अपने एम, अपने सपने को पूरा करने के लिए, बच्चों को एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए जितना चाहे उतना टाइम बच्चों को ट्रेन करा सकते हैं। 24 आवर्स ओपन रहती है स्पेशली बच्चों के लिए, मेरे लिए, और जो हमारे यहाँ के मैनेजमेंट में हैं अशोक जी, मैं शब्दों में उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। मैं इनके लिए बार बार उनको मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपने सपने को साकार करने के लिए एक सीढ़ी दे दी जिस पर मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने सपने को साकार करूँगा, बच्चे अपने सपने को साकार करेंगे, और इसके लिए इन्फिनिटी बैडमिंटन सेंटर मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।